scoring a century with 7 stitches in your hand, I don't think any other player could do that. He's a great performer. Fantastic. Leadership. Impatient. Genius. All-round. Champion. Greatest batsman in the world today. King Kohli. शायद ही कोई ऐसा रिकॉर्ड हो जो उसने अपने नाम ना किया। क्रिकेट की हिस्ट्री के लगभग सभी लिविंग लेजेंड्स ने माना है कि उन्होंने विराट जैसा महान प्लेयर अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। वनडे मैचेस में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी विराट हैं। सबसे ज्यादा रन चेज करने वाले खिलाड़ी भी वही है और इंडियन टीम में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड जीतने वाला खिलाड़ी और तीनों ही फॉर्मेट में ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर अपने नाम कर चुके विराट हैं। वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा सेंचुरीज का रिकॉर्ड अब विराट के नाम है। वन ऑफ द मोस्ट मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रॉन्ग एथलीट कहा जाता है। इंस्टाग्राम पे वो मोस्ट फॉलोड इंडियन है। 1000 crore से ज्यादा की वर्थ है, मतलब वन ऑफ द फास्टेस्ट फाइनेंशियली ग्रो करने वाले खिलाड़ी भी विराट है। इट मीन्स कुछ तो यूनिक है उनके पास। क्या है? मैंने और मेरी टीम ने पिछले 7 दिन में विराट का ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू सुना, पॉडकास्ट सुने, आर्टिकल्स पढ़े और ये समझने की कोशिश करी कि विराट कैसे सोचते हैं, कैसे वो खुद को इतना डिसिप्लिन रख पाते हैं, क्या है उनकी स्ट्रेटजीज अपने माइंड को कंट्रोल करने की, कैसे प्रॉब्लम से लड़कर वो कम बैक कर लेते हैं, इतने उतार चढ़ाव के बाद भी कैसे बना विराट इतना विराट। तो बिना इधर उधर की बात करते हैं उनके बचपन से शुरू। किंग कोहली के किंग बनने की शुरुआत उनके बचपन से शुरू हो गई थी। जब वो 3 साल के थे तो बैट पकड़कर अपने पापा को कहते थे बॉलिंग करवाओ, और जब स्कूलिंग शुरू हुई तो दूसरे बच्चों को क्रिकेट खेलते देख उनका भी इंटरेस्ट उसके अंदर जागा और वो क्रिकेट में ज्यादा इन्वॉल्व होना शुरू हो गए। टीचर्स ने और लोगों ने उनके फादर प्रेम कोहली उनको बोला कि विराट बहुत अच्छा खेल लेते हैं, आप इसको किसी क्रिकेट अकेडमी में ज्वाइन करवा दो। तो 9 साल की एज में उन्होंने विराट का एडमिशन वेस्ट दिल्ली क्रिकेट अकेडमी में कराया। खुद 13 साल के थे विराट, पर प्रैक्टिस 14-15 साल वाले लड़कों के साथ करते थे। तो पहले तो अंडर 14 की टीम के सिलेक्शन में विराट रिजेक्ट हो गए, पर 2002 में दिल्ली अंडर 15 टीम में वो सिलेक्ट हुए और उन्होंने अपना क्रिकेट का डेब्यू किया। फिर मेहनत करते गए, अच्छा परफॉर्म करते गए और करते करते कुछ ही सालों में अंडर 19 नेशनल टीम में सिलेक्ट हो गए। फिर आया वो 19th December 2006 जब क्रिकेट ने विराट से उनका सबसे बड़ा सैक्रिफाइस। Just think of his state of mind that his father's body was at home and he was just thinking about 100. फिरोजशाह कोटला स्टेडियम में रांची ट्रॉफी के लिए दिल्ली टीम की तरफ से विराट खेल रहे थे। सामने कर्नाटका की टीम थी जो 446 रन बनाकर आउट हो चुकी थी। अब ये मैच का दूसरा दिन था और दिल्ली टीम के 105 रन पर 5 विकेट गिर चुके थे। विराट 40 रन पर कॉन्टिन्यूट थे। उस दिन का मैच खत्म होता है, दिल्ली टीम का हर प्लेयर प्रेशर में है, सारे प्लेयर्स अपने अपने घर जाते हैं, विराट भी अपने घर पे थे और रात को तकरीबन 2:30 से 3 बजे उनके फादर को हार्ट अटैक आ जाता है और कुछ ही पल में अपनी आंखों के सामने उन्हें जिंदगी देने वाले को वो आखिरी सांस लेते देख लेते। सॉरी अबाउट योर फादर। विराट ने तब अपने कोच राजकुमार शर्मा को फोन मिलाया, उन्हें सब बताया और पूछा कि अब क्या करूं। I called my coach in the morning. I told him this had happened and he was in shock as well. So he asked me what I wanted to do. I said I want to go play because for me not completing a cricket game was a sin. It came instinctively to me that I should go. I should continue. अगले दिन एक एक रन के लिए स्ट्रगल कर रही दिल्ली टीम के लिए विराट ने अकेले 90 रन खींच लिए, मैन ऑफ द मैच बने। उनको देख कर ना कई दूसरे प्लेयर्स की आंखें भी नम हो गई कि घर में फादर की डेड बॉडी है और वो बंदा यहाँ टीम के लिए खड़ा है। फिर मैच के तुरंत बाद वो सीधा अपने फादर के फ्यूनरल की तरफ गए। स्टीफन कोवी अपने इस बुक 7 Habits ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस एंड सर्कल ऑफ कंसर्न की बात करते हैं, मतलब कि ये समझना कौन सी चीजें हमारे कंट्रोल में है और कौन सी है जो हमारे कंट्रोल के बाहर है। फादर की डेथ हो चुकी है,
अब वो उनको वापस नहीं ला सकते, लेकिन टीम हार रही है वो उसको बचा सकते हैं। उस दिन 19 साल के विराट ने सबको दिखा दिया कि लीडरशिप का असली मतलब क्या होता है, ओनरशिप का असली मतलब क्या होता है। और विराट के फादर भी तो यही चाहते थे कि विराट अपनी हाईएस्ट पीक पर खेले, इसलिए विराट के फादर की डेथ के बाद क्रिकेट उनके लिए टॉप प्रायोरिटी बन गया और यही से उसके सक्सेस की स्पीड और तेज हो गई। लेकिन विराट को नहीं पता था कि आगे एक स्पीड ब्रेकर उनका इंतजार कर रहा है। इंडियन टीम का पार्ट बनने के बाद विराट ने कई रिकॉर्ड तोड़े। लगातार विराट ने अच्छा परफॉर्म किया, पूरी दुनिया को दिख रहा था कि कितनी बेहतरीन इनिंग्स खेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज, एशिया कप, उसमें भी कई रिकॉर्ड तोड़े। और इस वजह से जो उनका कॉन्फिडेंस आया था ना, वो 2012 के आईपीएल मैच भी उसी ख्याल से खेलने लगे कि अब तो मैं ही डोमिनेट करूंगा। मगर असल में एकदम से लगातार इतनी सक्सेस देखने के बाद, कई रिकॉर्ड्स तोड़ने के बाद उनका जो कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं हुआ था, वो ओवर कॉन्फिडेंस से रिप्लेस हो चुका था। और इस चीज को विराट ने तब रियलाइज किया जब वो 2012 के आईपीएल में बुरी तरह हार गए और पूरी तरह से मेंटली वो हिल गए। उन्हें लगा कि उनके साथ ये कैसे हो सकता है, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे। मगर मैच के बाद जब वो वापस अपने रूम में लौटे और शीशे के सामने बैठे तो उन्हें सब कुछ साफ साफ दिखने लगा। उन्हें अपने हार की वजह साफ साफ नजर आई। उनको दिखाई दिया कि असल में लगातार इतनी सक्सेस की वजह से ना वो खुद को फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, इग्विस्टिक हो रहे थे। और मैच से पहले उनकी आदतें बिगड़ रही थी, मतलब ट्रेनिंग से लेकर डाइट तक कुछ भी खा रहे थे, जंक फूड की आदत लग गई थी। 4-5 दिनों में 40 टॉफियों का पैकेट खत्म कर देते थे। और वो फिर एक ऐसा मोमेंट था जब विराट ने रियलाइजेशन के जरिए अपने फेलियर्स को समझा। एक्सेप्ट एंड एक्ट, एक्सेप्ट करो और एक्ट करो। कमियां होने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टाइम टू टाइम अपनी कमियों को समझना जरूरी है, उन पे काम करना जरूरी है। अब कैसे विराट ने इन कमियों पे काम किया? विराट ने इस चीज को समझा कि क्रिकेट की दुनिया में अब ओवरऑल डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं और स्पेशली फिटनेस के मामले में वो और उनकी टीम दुनिया भर की कई टीम से पीछे है। तो उन्होंने सोच लिया कि अगर क्रिकेट में डोमिनेट करना है तो फिटनेस पे काम किए बिना ये पॉसिबल नहीं है। 2013 में वो इंडियन क्रिकेट टीम के फॉर्मर हेड ऑफ स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच बासु शंकर से मिले और उनकी बताई फिटनेस रिजीम को फॉलो किया। विराट कहते हैं कि 2-3 हफ्तों में उन्होंने रियलाइज किया कि वो ज्यादा फास्ट है, ज्यादा लाइट है और ज्यादा फोकस्ड है, और इसका बेनिफिट सिर्फ क्रिकेट में नहीं हो रहा, उनको लाइफ में भी हो रहा है। और एक ऐसा डिसिप्लिन बना कि आज विराट दुनिया के सबसे फिट क्रिकेटर हैं। हमारी बॉडी जो है ना, वो कार के इंजन की तरह है, जिसको हम जितना अच्छा मेंटेन करेंगे उतना ही हमें साथ देगी और उतना रुकने के चांसेस कम होंगे। और इंजन में अगर फ्यूल मिलावट वाला जाएगा तो इंजन बैठ जाएगा। विराट भी ये कहते हैं कि जिम तो कोई भी जा सकता है, लेकिन असली गेम इज फूड, because everyone can kind of, you can go to the gym and work hard. Vegan diet follow करते हैं, 90% diet सिर्फ steamed और boiled लेकर वो अपने अंदर की clarity को ensure करते हैं। और हाँ, पंजाबी है तो कभी कभी राजमा और लोबिया चलता है। फिटनेस विराट के लिए वो टूल बनी जिसने उनकी विल पावर को और बढ़ा दिया, उनके डिसिप्लिन को बना दिया। अब आप ये देखो कि मोहल्ले के जब 4 लोग या रिश्तेदार सामने खड़े हो जाए ना, तो लोग प्रेशर में आ जाते हैं। ये सोचो कि एक प्लेयर पे कितना प्रेशर होता है, करोड़ों लोग आपसे उम्मीद रख रहे होते हैं। अच्छे खेलने पे तो आपको हीरो बना देते हैं और बुरा खेलने पे आपको विलन बना देते हैं। ऐसे में विराट ने अपने माइंड पे कैसे काम किया? 2012 में ही जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 2 टेस्ट हार चुकी थी, विराट ने 4 इनिंग्स में सिर्फ 43 रन बनाए थे। विराट ने देखा कि उन पर भी और पूरी टीम पर प्रेशर और टेंशन बहुत ज्यादा है। ऐसे में विराट सोचना शुरू है कि मैं क्या अलग कर सकता हूँ। तब विराट ने अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस करने शुरू करी। वो कहते हैं कि मैं खुद को याद करवाता गया कि मैं एक अच्छा प्लेयर हूँ, मैं एक अच्छा प्लेयर हूँ। जब भी वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते थे, वो अपने हेडफोन्स में म्यूजिक लगाते थे और अपने माइंड में खुद को अच्छा खेलते हुए देखते थे। वो पूरा विजुअलाइज करते थे कि कैसे वो बॉलर को डोमिनेट कर रहे हैं। उन्होंने अफर्मेशंस के साथ, मतलब खुद को पॉजिटिव स्टेटमेंट्स देके कॉन्फिडेंस दिया, और विजुअलाइजेशंस के साथ, मतलब इमेजिन कर करके अपने माइंड को प्रिपेयर किया। और इस सब का रिजल्ट पता है क्या हुआ?
जो बाकी के दो टेस्ट मैच बचे थे उसमें विराट ने अकेले 257 रन बनाए। उस सीरीज में वो इंडियन टीम के हाईएस्ट रन स्कोरर बने। जब आप किसी चीज को माइंड में भी प्रैक्टिस करते हो ना, तो आप एक तरह से उसके लिए रिहर्सल कर रहे हो, उसके लिए प्रिपेयर हो जाते हो, आपका प्रेशर कम हो जाता है और आपका माइंड पूरी तरह से उस रिजल्ट के लिए आपको साथ देता है। सो एक बड़ी एक्सेप्टेंस के बाद विराट ने अपने फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ पे एक्ट करना शुरू किया। वो उसको इम्प्रूव करते गए और अपनी गेम को इम्प्रूव करते गए और अपनी गेम के साथ लाखों करोड़ों लोगों को हैरान करते गए। ये वही टाइम है जब विराट के अपने दो रूप देखे, एक देखा एक शानदार प्लेयर और दूसरा एक अग्रेसिव प्लेयर, इमोशनल प्लेयर। लेकिन आज हम देखते हैं कि विराट बहुत स्टेबल है। एक अग्रेसिव प्लेयर इतने स्टेबल प्लेयर में कैसे बदला? लड़की का चक्कर है बाबू यार। विराट जिन्होंने अपने इंटरव्यू में हंसते हुए बोला था कि क्या मैं आपको पाठ पूजा टाइप लगता हूं? Do I look the पूजा पाठ टाइप? वही विराट अनुष्का के साथ कभी नीम करोली बाबा के आश्रम, कभी स्वामी दयानंद गिरी जी के आश्रम, कभी महाकेश्वर मंदिर में नजर आते। विराट ने अपने कई इंटरव्यूज में बोला है कि अनुष्का ने उनको स्पिरिचुअलिटी की दुनिया दिखाई, जिससे उनकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए, वो और काम हुए, उनका चीजों को देखने का नजरिया बदला। विराट कहते हैं कि अनुष्का की वजह से उन्होंने अपने सच के साथ तब भी खड़े रहना सीखा जब दुनिया उनके अगेंस्ट थी। ये चेंजेस इसलिए आ पाए क्योंकि वो ओपन माइंडेड थी। बहुत सी शादियों में इसलिए रोज कलेश होते हैं कि कोई जिंदगी में तो आया है पर हम नहीं बदलेंगे, हम तो जैसे वैसे ही रहेंगे। प्यार का मतलब यही है कि जिद से ऊपर रिश्ते, ये सोचना कि हम एक दूसरे से क्या सीख सकते हैं, क्योंकि दो तारे हैं अगर सही से जुड़ जाए तो रोशनी हो जाती है, और यही दो तारे अगर गलत जुड़ जाए तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। 2020 में दुनिया में कोरोना आया और विराट के करियर का लोएस्ट पॉइंट आया। 2.5 साल में रन मशीन कहे जाने वाले विराट ने एक सेंचुरी तक नहीं मारा, एवरेज स्कोर 20 से भी कम था, कई बार जीरो पर आउट हुए, और जिस तरह से घायल शेर पर मौका समझकर हर कोई हमला करने की कोशिश करता, उसी तरह से चारों तरफ से हर कोई खुले में विराट को क्रिटिसाइज करने लगा। किसी ने कहा ज्यादा ही घमंड हो गया, ये तो टूटना ही था, किसी ने उनकी सिलेक्शन को ही गलत बता दिया, किसी ने कहा कि क्रिकेट उनके लिए बना ही नहीं है, अब विराट को संन्यास ले लेना चाहिए। सबको लग चुका था कि अपना किंग का वक्त खत्म हो चुका है, अब शायद किसी और की बारी। मगर वो किंग कोहली किंग, और किंग इतनी जल्दी हार मान जाए तो ये किंग शब्द की ही इंसल्ट है। विराट का एक बहुत स्ट्रॉन्ग और सिंपल टूल है सेल्फ टॉक, खुद के साथ बैठकर बात करना। विराट विराट सुना है बहुत गुस्सा आता है तुझे, कर गुस्सा और गुस्सा कर, जब बॉडी थक जाए उस पे गुस्सा कर, जब दिमाग फोकस ना कर पाए उस पे गुस्सा कर। जुलाई 2022 में इंग्लैंड टूर से वापस आकर उन्होंने स्वाध्याय किया, सेल्फ टॉक करी, और इस बार बहुत सी ऐसी चीजें रियलाइज उनको हुई जो पहले कभी नहीं हुई। उन्होंने समझा कि उनकी बॉडी उनसे अब ब्रेक मांग रही है, दिमाग पॉज लेकर रिलैक्स करने के लिए कह रहा है, और इसी पॉइंट पर उनको ये रियलाइज हुआ कि इंटेंस डिसिप्लिन, फोकस, स्ट्रेंथ सब कुछ ठीक है, मगर अपनी लिमिट को आइडेंटिफाई करना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विराट ने एक महीने की ब्रेक ली और पिछले 10 साल में ये पहला मौका था जब उन्होंने एक महीने अपने बैट को हाथ नहीं लगाया। तो इस वेल डिजर्व्ड ब्रेक के बाद अगले ही मैच में 8 सितंबर 2022 की शाम को एशिया कप में उन्होंने अपने रन मशीन वाले अवतार की वापसी की, हाईएस्ट स्कोरर बने, और वही फॉर्म अभी भी इस वर्ल्ड कप में मेंटेन है, और ब्रांड कोहली और बड़ा होता जा रहा है। क्या है ब्रांड कोहली? एमएसजी कहते हैं कि कोहली की एक बात उनको बहुत अच्छी लगती है कि वो 8-10 साल आगे का सोचते हैं। विराट ने इनफैक्ट अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि इंडियन क्रिकेट टीम दुनिया में कैसे डोमिनेट करेगी, ये कुछ दिन या महीनों का नहीं, 8-10 साल की प्लानिंग लेकर चलना होगा। अपने ब्रांड के लिए भी वो यही करते हैं, अपनी लाइफ के लिए भी वो यही करते हैं। एक क्रिकेटर का करियर लिमिटेड होता है, लेकिन क्रिकेट के बाद का प्लान अभी से सेट है। उनकी रेस्टोरेंट चेन है 1-8, उनका क्लोथिंग ब्रांड है रॉन्ग, और कई स्टार्टअप में विराट इन्वेस्टर है, दुनिया के मोस्ट फॉलोड क्रिकेटर है। अगर वर्ल्ड लेवल की बात करें ना, तो आप देखोगे कि फुटबॉल और बास्केटबॉल प्लेयर्स टॉप अर्नर्स होते हैं, क्रिकेटर्स नहीं होते, लेकिन विराट कोहली अकेले क्रिकेटर हैं और अकेले इंडियन हैं जो टॉप 100 हाईएस्ट पेड एथलीट्स में हैं। विराट की जो सैलरी है उनकी टोटल अर्निंग का 9% है, और बाकी सारी अर्निंग है उनके बिजनेसेस से, शूट्स, ब्रांड डील्स, इन चीजों से। बीसीसीआई से 7 करोड़ पर ईयर मिलता है,
और हर टेस्ट का 15 लाख, हर वनडे का 6 लाख, हर T20 का 3 लाख और इसके अलावा 15 करोड़ IPL से, 18 से ज्यादा ब्रांड्स के वो ब्रांड एम्बेसडर हैं। सो एक अच्छे प्लेयर होने के साथ विराट एक विजनरी भी है, एक एंटरप्रेन्योर भी है। सो विराट के माइंड को डीकोड करने पे क्या निकला? ओनरशिप मेंटेलिटी, अपने सर्कल ऑफ कंट्रोल को समझो और उसके ऊपर काम करो। एक्सेप्ट एंड एक्ट, जितना जल्दी एक्सेप्ट करोगे उतना जल्दी एक्ट करोगे। फिजिकल स्ट्रेंथ, कार का इंजन कार को सही चलाएगा और फ्यूल कार को पावर देगा। विजुअलाइजेशंस एंड अफर्मेशंस, क्योंकि जितना माइंड स्ट्रांग उतनी लाइफ स्ट्रांग। ओपननेस, तू जीते या मैं जीतूं इससे इंपॉर्टेंट है रिलेशन जीते और हम खुद को बेहतर बनाएं। सेल्फ टॉक, एक सिंपल एंड स्ट्रांग टूल जो हमें आईना दिखाता है। और लॉन्ग टर्म विजन, दूर की सोच रखेंगे तो दूर तक जाएंगे। लास्ट में मैं आपके 60 सेकंड्स लेना चाहूंगा और आपको अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में बताना चाहूंगा। अगर आप एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग चाहते हैं जिसके अंदर हम आपको टूल्स देते हैं, शीट्स देते हैं खुद को जानने के लिए, अपने गोल्स बनाने के लिए, अपनी कंफ्यूजन्स को क्लैरिटी में बदलने के लिए, अपने फियर को कॉन्फिडेंस में बदलने के लिए, 3 घंटे की ये वर्कशॉप है। जितने में आप एक मूवी देखते हो उतने टाइम में आप अपनी लाइफ को बदल सकते हो। जब आप इसमें एनरोल करते हो तो आपको मंथली Q&A सेशन मिलता है, एक पॉजिटिव लोगों की सराउंडिंग कम्युनिटी मिलती है, एंड अगर आपको लगे कि नहीं ये ट्रेनिंग आपके काम की नहीं है तो मनी बैक गारंटी है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, स्क्रीन पे आपको QR कोड नजर आएगा, इस पे क्लिक करके आप खुद को इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हो और अपनी लाइफ को किस्मत के भरोसे नहीं अपने हिसाब से चला सकते हो। दोस्तों मैं ये समझता हूँ कि सक्सेस की स्पीड तब तेज हो जाती है जब हम दूसरों की अचीवमेंट से और फेलियर से सीखते हैं। इस वीडियो के साथ मेरी और मेरी टीम की यही कोशिश थी कि विराट की लाइफ को हम डीकोड करें, उनके सक्सेस और फेलियर से कुछ पॉइंटर्स आपको निकाल के दें जो आप अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट कर पाओ। और किन टॉपिक्स पे आपको वीडियोस चाहिए नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। मैं पिछले 13 साल से एक ही कोशिश में हूं कि अपनी वीडियोस, बुक्स और ट्रेनिंग्स के थ्रू अपने देश की मेंटल और फाइनेंशियल ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर पाऊं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।